दो चार चैनल के खरीद के विदेशी ताकत ने मिलकर उन्हें फंसा के
और मीडिया ट्रायल करके बदनाम करने को प्रयास कर। ये मौका में मलखान सिंह ठाकुर ही बोलेंगे, भैया कौन है कछु कर लो, लेकिन आज लाखन करोड़ों की संख्या में शिष्य है, संस्कार कैंप चल रहे, आश्रम चल रहे, बापू की जलाई ज्योति है जाकी चल रही, कौन निकटो लाखन आदि करोड़ों आदि आज भी उनसे श्रद्धा भाव से जुड़े, और यही शक्ति की ताकत है। उनको जो भी किया गया तो जब जब संतन पे अत्याचार भय है उस समय आदि महत्व तो नहीं जाना, लेकिन संतन के जावे के बाद उनको महत्व तो समझ में आओ। उनने जो बताओ कि भैया जब इस देश में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की लाश चार ने लेकर रहे इस समाज ने उन्हें दफना भी किए जाने दी रही थी, चाहे साईं बाबा की बात कर ले उस जमाने समाज ने ऐसे कुचक्कर रची कि उन्हें आंखें भी देखो बाद में आज पूछ रहे चांदी सोने से मड़े ले रहे। यही हो महापुरुष जब राज तब उनको महत्व समझ नहीं आ वो साजिश साजिश में आदि फंसा था, जब वो नहीं हो उसके बाद दुनिया में वो याद करो यार और भगवान बना के पूछो जाए। तो जब पूरा कार्यक्रम में इनके बाद का पुण्य स्वामी श्याम प्रसाद मुखर्जी के लेके जो बातचीत गई तो सुनवा ने देख लेना जो कार्यक्रम। दूर से ले लो ना कुछ बोल रहा हूँ कट जाए तो मैं उल्टी मोड़ी उल्टी बोले हमारा है और वो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है और जो कश्मीर हमारा है वो प्राणों से प्यारा है। अगर आज जो है वो अकेले सेना लेके ऐसे आदमी थे जिनके साथ कोई नहीं था, वो अकेले कश्मीर में उन्होंने प्रयास किया और वहाँ कश्मीर में उनको गिरफ्तार करके वहाँ उसी जगह उनको जेल में बंद करके षड्यंत्र पूर्वक उनका हत्या कर दी गई। कम समय में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की तो हम सभी युवा हैं और हम सभी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं तो हमें एक सोचना चाहिए कि हमारे विचार क्या हैं। अगर हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे अन्य आज 363 सदस्य तक आ गई है, 336 सदस्यों के बीच में आज पार्टी है, उन्हीं के बलिदान से उन्हीं के प्रेरणा से आज हम सभी लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी वोटिंग ऐसे आ जाओ आप थोड़ी पेड़ के सामने भाई साहब आप हाँ गलत ना कहा गया सामने आ जाओ आराम बताओ भैया राम राम। आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। आज बगराजन माता मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म दिवस मनाओ जा रहा हूँ। वो उपलक्ष्य में सब कार्यकर्ता नेता अध्यक्ष सब लोग हैं तो उन्हें जो पूछ रहे कि आज को जो कार्यक्रम को संदेशों का है, हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव जी उनसे जानकारी कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे कौन उपलक्ष्य में जो का करूँ जा रहा कार्यक्रम। मैडम जो कार्यक्रम को उद्देश्य का है कौन हिसाब से करूँ? सबसे पहले सबको हमारी तरफ से राम राम पहुँच जाए। आज 6 जुलाई है, 6 जुलाई को हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत शीर्ष और मार्गदर्शक है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, उनका जन्मदिन है। तो आज जन्मदिन के उपलक्ष में हम लोगों ने वृक्षारोपण करो है और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। 6 जुलाई का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्मदिन बहुत हो और उनने काफ़ी इस देश के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने आप सब जानत हो कि जैसे भाजपा के हमारे सभी कार्यकर्ता 3 पीढ़ियों से कहते रहते कि जहाँ भये बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमाओ है और जो कश्मीर हमाओ है वो प्राणों से प्यारो है। तो आप सभी को पता हो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू सरकार से इस्तीफा दो, उनके विचार ना मिलते, एक बाद जैसा कि कश्मीर में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान रहते, जो भी नारा हतो के एक देश में
दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे। भाई कश्मीर गए, कश्मीर में गिरफ्तारी भई उनकी, और जब जेल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भई, उनकी आज तक पता नहीं चलो। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 हटा के आज विशेष जो हम उनको जन्मदिन मनाओ है कि जो सदियों से सपने देखत रहे हमारे देश के 130 करोड़ जनता ने, वो सपनों साकार भाव। आप सबको पता है कश्मीर में जो युवा हते वे गलत दिशा पे गए, वे आतंकवाद से जुड़े, तो उनको मतलब जो ही हतो कि दूसरे राज्यों से जाके कोनो हम उद्योग न लगा सकते, उतने बेरोजगारी बढ़ गई थी। अगर दूसरे राज्यों में शादी कर लें तो उनकी नागरिकता चली जाती, और अगर सफाई कामगार को है भैया तो कि 7 पीढ़ियों तक सफाई कामगार रहे, वो चाहे जितो पढ़ लिख जाए। आज ऐसी बहुत ही अच्छी 370 हटा के पूरे जैसे भाजपा के हमारे लोग आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विशेष जन्मदिन मना रहे हैं, जो ही उद्देश्य है। भैया हमारे बीच में हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री जयराम चतुर्वेदी जी, उनसे भी पूछ रहे भैया चतुर्वेदी जी आप बताओ कच्छी जो कौन उपलक्ष्य में बना हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में सभी मंडल स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में आज वृक्षारोपण करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाया है, और उन्होंने याद किया है कि उन्होंने जो बलिदान दिया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो सपने देखे थे, उन्होंने जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा हुआ है। जैसे कि हमारी मंत्री जी बता रही थी धारा 370 का, और उन्होंने ही उसी समय जब मंत्री पद का त्याग पत्र दिया, उन्होंने कहा था इस देश में दो विधान दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और वो बिना परमिट के, जब उस समय पर अगर कोई जाता था वहाँ कश्मीर तो परमिट लेना आवश्यक होता था, तो उन्होंने कहा हमारा भारत का अभिन्न अंग है और हम बिना परमिट के जाएंगे। और जब वो वहाँ बिना परमिट के गए तो वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, और वहाँ फिर रहस्यमय तरीके से उनकी अभी जो विगत 23 जून निकली है उनको बलिदान दिवस भी भारतीय जनता पार्टी ने मनाया था सभी मतदान केंद्रों तक, और आज उनको याद करके हमारी भारतीय जनता पार्टी वृक्षारोपण करके संकल्प लेती है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए रास्ते पर हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी। इसी के साथ आज इनका जन्मदिन मनाया गया। अब भैया हमारे बीच में हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मल्खान सिंह जी, उनसे भी जानकारी कर रहे हैं। जो अध्यक्ष महोदय से पूछ के सब पूरी डिटेल तय से मिली जा रही है कि का कैसे भाव सही सही आप ही बता सकत, अध्यक्ष से मुखिया ही बता सकत सब कुछ, ठीक है। अब जो है भैया जिला अध्यक्ष मल्खान सिंह, आज बगराजन माता की मंदिर पे आज पूरे छतरपुर नगर मंडल से पधारे हुए सभी छतरपुर के सब प्रांत और अपने पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता सभी आज इस कार्यक्रम में भाग लो। ऐसे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में इनको जन्म भाव, 1901 से 1953 के बीच में इनने अपने भारत देश के लाने पूरी राष्ट्रवादी ऊर्जा के साथ, हिंदूवादी ऊर्जा के साथ कार्य किया। उसी ऊर्जा के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो इनका सपना था, आज उस सपने को हमारे आदरणीय मोदी जी ने पूरा किया, और उनके जितने भी पद चिन्हों पर उनने चलने का अपन को आश्वासन दिया या उपदेश दिए, उन उपदेशों का अपन पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज उनके जन्मदिन को हम लोगों ने वृक्षारोपण कर उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ बगराजन माता के मंदिर पर जो है उनका जन्मदिन मनाया। ये भैया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश वर्मा जी, बोलो भाई साहब कछु आपका तो सबसे पहले पूछो ना कछु जो कौन उपलक्ष्य में मनाओगे, सवाल का पूछने सवाल आप जवाब आप वरिष्ठ हो आप। पूरे भारत में राष्ट्रवाद का ध्वज लेने वाला कोई प्रखर योद्धा था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्तित्व थे, जब देश स्वतंत्र होने के लिए जा रहा था तो लाखों लोगों ने बलिदान किया, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद किसी ने अगर बलिदान किया है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो ध्वज लेकर के चले हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस जनसंघ की स्थापना की थी, आज जनसंघ विश्व की नंबर एक पार्टी है, 11 करोड़ जिसके मतदाता हैं,
और सारा भारत आज जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में सारा भारत भारतीय जनता पार्टी के रूप जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रखर राष्ट्रवाद के ध्वज लेकर के चलेगी और भारत को विश्व शक्ति के रूप में बना करके ही दम लेगी। तो ये जाति खबर एक ब्रह्म ज्ञानी संत के आश्रम में जाकर सज्जन ने पौधारोपण कर अच्छी भावना के संग करी और निश्चित रूप से प्रकृति को असर भी दिखाया ऐसे पेड़ पन में वो आदि के पर्यावरण के शुद्ध करके दे हैं। तो ये हमने ऐसी खबरें हम ले आते हैं छेरामी।